तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एग्जाम में आई थी जो कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन थी दो, और इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा था कि क्या प्रोडक्ट बने। तो देखिए पहली जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि ये थर्मल रिएक्शन है और इसमें जो बेंजीन रिंग के साथ एक साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग जुड़ी हुई है, साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग है और यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगे हैं जो कि ट्रांसपोजिशन है। ओके, जब इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगा, रिंग ओपनिंग। ओके, अब हमें पता है कि क्योंकि ये रिएक्शन थर्मल रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों पीएच जो लगे हुए हैं फेनाइल ग्रुप, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमें एजाइन करनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे एजाइन करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी। क्या सीखी थी कि इसमें क्योंकि ये जो 4N इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, 4N इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन दैट इज यहाँ पे जो होमो होगी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो होगी वो कौन सी होगी, साइड टू होगी। ओके, साइड टू होगी और साइड टू जो है वो एक इवन नंबर है, तो जो ओवरलैपिंग लोब्स होंगे उनके जो साइन है वो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो इफेक्टिव ओवरलैप के लिए इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, कॉन रोटेशन हो जाएगा, कॉन रोटेशन। तो हमें पता है कि यहाँ पे रोटेशन कौन सा हो गया, कॉन रोटेशन है, कॉन रोटेशन है। और ये इसकी जो ज्योमेट्री दिख रही है रिएक्टेंट में वो कैसी है, ट्रांस है। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक सीखी थी, ट्रिक ये थी कि अगर सेम स्टीरियो केमिस्ट्री हो, कॉन रोटेशन हो तो सिस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर सेम हो और डिस रोटेशन हो तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री हो, सिस हो तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, अपोजिट हो, डिस रोटेशन हो तो सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रिंग ओपनिंग के लिए हमने कहा था कि ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, ये रोटेशन होगा बीच में और ये आपका होगा प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन क्या है, कॉन रोटेशन है और ये कैसा है, ट्रांस है। दैट इज यहाँ पे ट्रांस एंड कॉन रोटेशन, ट्रांस कॉन रोटेशन दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सी होगी, अपोजिट होगी। दैट इज ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, तो अपोजिट होगी, दैट इज एक पीएच ग्रुप ऐसे होगा और दूसरा फिनाइल ग्रुप ऐसे होगा। ओके, तो इस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। तो इसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कि दो फेनाइल ग्रुप जो लगे हैं अपोजिट पोजीशन में, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। अब ये इसके बाद जब ये एस्टर ग्रुप जुड़ेगा, एस्टर ग्रुप जुड़ेगा COOET, तो इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी, डील्स एंडर रिएक्शन, यहाँ पे डील्स एंडर रिएक्शन हो जाएगी, डील्स एंडर रिएक्शन होगी। ये कैसी है, 4+2 डील्स एंडर रिएक्शन, जिसके बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सिक्स मेंबर रिंग, दैट इज यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगा दो। ठीक है, इसके बाद जो इसकी दो फेनाइल ग्रुप है, ये दो फेनाइल ग्रुप ये हमेशा ही कहाँ जाते हैं, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होती है और दोनों ही बिलो द प्लेट चले जाते हैं। तो ये दोनों जो फेनाइल ग्रुप होंगे, तो ये फेनाइल ग्रुप कहाँ होंगे, दैट इज दोनों जो फेनाइल ग्रुप हैं ये बिलो द प्लेट होंगे यहाँ पे ऐसे। ओके, अब इसलिए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, वो फेनाइल ग्रुप से अपोजिट होगी ड्यू टू द लेसर स्टेरिक हिंडर, दैट इज COOET ग्रुप जो है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा ही फेनाइल ग्रुप से अपोजिट होगी। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट वहां पे बनना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो ये वाली रिएक्शन लिखी है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में पहले तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन जब होगी तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 1,4 होता है एंड 1,2 होता है, 1,3 सब्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं होता है। तो 1,2 सब्स्टिट्यूशन जब अलाउड होगा तो यहाँ पे
जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बनेगा, दैट इज ओ एन ई एंड दिस वन इज द ओ एस आई एन ई थ्री एंड यहां पे साइनाइड ग्रुप यहां पे लगेगा ऐसे। इसके बाद क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में क्या है, देखिए एसिड से ट्रीटमेंट क्या है, जब एसिड है तो एसिड प्रोटोनेशन करेगा, किस पे प्रोटोनेशन करेगा, ये जो आपका मेथाइल ग्रुप है इस पे प्रोटोनेशन करेगा, दैट इज प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब जब ये प्रोटॉन जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ओके। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप जो है वो यहाँ से इलिमिनेट होना चाहेगा, दैट इज ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ डबल बॉन्ड करेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ डबल बॉन्ड करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ डबल बॉन्ड करेगा, और ये जो मेथाइल मेथॉक्सी ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे हो जाएगा सीएल साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो ऐसे, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।